हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए घटना चक्र सामान्य भूगोल पार्ट वन। पार्ट वन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सारे भूगोल को के टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि हाँ कौन सा पार्ट आपने किया हुआ है, क्योंकि थंबनेल से। तो इसलिए पार्ट वन पार्ट टू ऐसे ऐसे करके हम लाएंगे, ठीक है, और पूरा भूगोल करवाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भूगोल। और अपना फीडबैक आप लास्ट में दीजिएगा, और आपको पता ही होगा कितना बेनिफिशियल होता है ये सारे एग्जाम के लिए, खासकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन होते हैं और क्वेश्चन होता है, वो भी चैप्टर वाइज, तो उसको हम करेंगे। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज करेंगे भारत का भूगोल, पहला चैप्टर है घटना चक्र का, जिसमें हम सामान्य परिचय की बात करेंगे, जिसमें उनके क्षेत्रफल वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित दक्षिण एशियाई देश है। यह चतुष्कोणीय आकृति वाला है। देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है और अक्षांशीय विस्तार दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि पूर्वी गोलार्ध में, मतलब अक्षांशीय उत्तरी गोलार्ध और देशांतरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के क्षेत्रफल में सातवां स्थान आपको पता ही होगा ये, और रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद है भारत, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। फिलहाल अभी बात की जा रही पहला है, क्योंकि 2021 का भी अभी जनगणना रिकॉर्ड नहीं आया है। तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को एक में कर दिया गया, सॉरी बनाया गया है, जिन्हें एक करके एक केंद्र शासित बना दिया गया। पहले अलग अलग थे, और इसे पूर्व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग कितना है, 2.4%, इसको याद कर लीजिएगा सब कुछ। भारत संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तथा 3,214 किमी तथा पूर्व में 2,933 किमी है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला लगभग लगभग 78,114 वर्ग किमी क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया। तो 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला मतलब 37,555 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है, 6,40,932। तो ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का पांचवां बड़ा देश, यह भी आपने पढ़ा है, कौन सा है, सातवां है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भूभाग पर अधिकृत किए हुए है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो पहला तो गलत हो गया और तीसरा भी गलत हो गया, तो कौन सा सही होगा, पहला और सॉरी दूसरा और चौथा? ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ा होगा, इसके पहले मैंने एक्सप्लेन ही किया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देश में कौन सा स्थान है? तो सातवां है। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है? सातवां सबसे बड़ा देश है। और भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या कितना है, 17%। और भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो अभी पढ़ा आपने, तो ये तो गलत है, क्योंकि कितना है, 6,40,932। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और या फिर भारत का रेखांकी विस्तार 68.7 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व पर है, या भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो आपको पता 28 है, तो यही गलत है, ये पूछा है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो भारत का विश्व का सातवां बड़ा देश है, सही है। भारत
जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किमी है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। मिजोरम नहीं होता, कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ठीक है, ये पहला है। अब अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको अक्षांश कहते हैं। और वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांशों को अंशों, मिनटों या सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा है। और विषुवत रेखा के उत्तरी भाग के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध मतलब ये उत्तरी गोलार्ध है, ये है दक्षिणी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत रेखा केवल लेकर अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? 89 89 प्लस 1 मतलब 179 होंगे। किन किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितना होगा? 111 किमी होगी। ठीक है, और उसके बाद भूपृष्ठ पर उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है जो यामोत्तर मतलब ग्रीनविच मीन टाइम कहलाती है, GMT जिसे बोलते हैं। यह रेखा लंदन की ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा के बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और वहीं पर मध्य है। इसकी मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68.7 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ठीक है, यहाँ पर मैप को रिप्रेजेंट तो नहीं किया गया लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। और उष्णकटिबंधीय का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों का प्रभाव दक्षिण उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, भारत विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक? तो ये तो गलत है क्योंकि भारत जो है 37 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांशों के मध्य देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई यहाँ पर फिगर क्लियर नहीं ये दिया गया। एक कर्क रेखा गुजरी हुई है यहाँ से यहाँ तक, इसका विस्तार है। ठीक है, आगे करते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो वह गुजरता है राजस्थान से। तो सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी वो राजस्थान से भी गुजरेगी। सिक्किम यहाँ पर है और राजस्थान यहाँ पर, अगर कोई रेखा गुजरेगी तो यहाँ से भी गुजरेगी। ठीक है, और जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती वह है, तो वह है जैसलमेर। तो अगला है भारत एवं कर्क रेखा। तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये गुजरात से गुजरेगी, राजस्थान से गुजरात, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम से होकर गुजरती है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ जाती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति को आप देख लीजिए। कभी कभी यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं।
अगरतला जो होता है 23 डिग्री 50 पचास मिनट पे, और गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पे, और जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पे, और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पे, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट पे, और नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट पे, और अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट पे, और वाराणसी है 25 डिग्री 18 मिनट पर, भोपाल है 23 डिग्री 25 मिनट पे। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको पता है अभी बिहार झारखंड, कर्क रेखा पड़ने वाला कुल 8 राज्य, अब क्या है इसका ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो किन राज्य, गुजरात से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है बल्कि झारखंड से गुजरती है। तो 1 3, हाँ सॉरी 1 2 4, कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा से, मिजोरम से, तो सभी से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 से गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे कर्क जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है बल्कि झारखंड है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो वह है त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मिजोरम, तो वह है मणिपुर। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो वह है गांधीनगर। विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति, इसको आपको पहले ही बताया गया है। तो निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कौन सा है? कोलकाता है कर्क रेखा के निकट, क्योंकि कोलकाता जो है उसका 22 डिग्री 30 मिनट पे है, और दिल्ली का 28 डिग्री 25 मिनट पे है, और जोधपुर का 26 डिग्री 0 मिनट या 27 डिग्री 37 मिनट तक है, नागपुर का 21 इतना है। तो सबसे ज्यादा है किसका? सॉरी क्या पूछा है, कर्क रेखा कौन सा निकट है? हाँ निकट है, तो यही है इसमें से। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो वह है 23 डिग्री 30 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो वह है उत्तर में मणिपुर है, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ। तो जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो वह होती है दिल्ली पर। इसको आप मैप के थ्रू एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बता नहीं सकती क्योंकि क्लियर भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? तो वह है जबलपुर, इसके पहले बताया गया, जबलपुर है, फिर अहमदाबाद है, उज्जैन है, वाराणसी है। और निम्नलिखित में भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो वह है माही नदी। तो ठीक है, मानक समय की बात करें तो इसको कल करते हैं, और इतना जो कराया है इसको आप याद कर लीजिए और रिपीट कर लीजिए, रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, और लगा या नहीं लगा ये मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप यूपी पीसीएस के टॉपर से या किसी भी टॉपर से पूछेंगे यहीं से आता है, खासकर यूपी पीसीएस के लिए या आल पीसीएस एग्जाम के लिए तो रामबाण है। तो इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इसके पहले हिस्ट्री का भी मैंने कराया है, उसको भी जाके देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।